नो 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 नो, शायद तुझे पता नहीं कि मैं कौन हूं। अमीर बाप की एक बिगड़ी हुई औलाद राहुल। He knows me. फिर भी तेरी इतनी हिम्मत। जब अपने देश की लड़की पराए देश में आपसे मदद मांगे तो उसकी मदद करनी चाहिए ड्यूड। क्या मतलब? मुझे मारेगा? इससे बात उलझेगी, सुलझेगी नहीं। दो चार मिनट अच्छे से बात करेंगे, सोल्यूशन निकल आएगा। यू तेरे ये भाड़े के टट्टू मरने मारने के लिए तैयार लग रहे हैं, पर सुन ले, सबसे पहले मैं इसकी धुलाई करूंगा, एक पंच मारूंगा और हवा में उड़ते हुए ठीक 5 सेकंड बाद मुक्केबाल गिरेगा। इससे उस हीरो को जोश आ जाएगा, वो मेरी तरफ मुझे मारने आएगा, मैं उसे एक किक मारूंगा और वो उड़ता हुआ जाके दीवार से टकराएगा। अब तेरे पीछे खड़ा ये पहलवान चुप नहीं बैठेगा। इसके डोले अच्छे हैं लेकिन ये बेचारा शायद नहीं जानता कि बॉडी हो ना हो, दिमाग होना ज्यादा जरूरी है। बस एक हाथ और ये भी आउट। उसके बाद तेरे बाकी के चमचे बिना दिमाग पर जोर डाले मेरी तरफ बढ़ेंगे, मुझे मारने के लिए। तुझे लग रहा होगा कि मैं सिर्फ बातों का शेर हूं, देखना चाहता है शेर में कितना दम है। ये गई तेरी गाड़ी 12 के भाव में, अब समझा मैं क्या कर सकता हूं। इसी झगड़ा छोड़ और प्यार को गले लगा, क्या बोलता है? प्यार लो प्यार दो। प्यार दो। थैंक्स अ लॉट, आई एम मानसा। हाय, आई एम जय। आप नहीं होते तो पता नहीं आज क्या होता। जाने दो, तुम मुंबई क्यों? नहीं, मैं कोलाड से हूँ, हैदराबाद से थोड़ी ही दूर है। अच्छा, कोलाड। एनीवे, जो हुआ उसे भूल जाओ और आगे बढ़ती रहो। गुड नाइट, कीप स्माइलिंग। तुझे उस लड़के से मिलके एक हफ्ता हो चुका है लेकिन तू है कि उसे भूल ही नहीं पाई। तू उसके बारे में ऐसे ही सोचती रहेगी। यू नो अबाउट बॉयज, वो तुझे दोबारा देखेगा ना तो पहचानने से भी इनकार कर देगा। लड़के ऐसे ही होते हैं, भूल जाओ उसे। ये वही है क्या? तुम यहाँ क्या, तुम यही रहती हो? हाँ, उस रोज रात का वक्त था, मुझे ठीक से याद भी नहीं है। तुमने थैंक्स भी कहा था, राइट? यस, तुमने अपना नाम क्या बताया था? नाम मानसा। मानसा, राइट? हाँ, इसे कहते हैं इत्तेफाक। मेरी बाइक बिल्कुल तुम्हारे घर के सामने आके बंद पड़ती है। फनी, राइट? रियली फनी। ऑन वन सेक डूड। सो व्हाट्स अप? अच्छा फेंका, बाइक तो स्टार्ट हो गई। बाइक अचानक स्टार्ट हो गई। अजीब बात है ना, ऐसे में सब कुछ अचानक ही होता है। हाय गर्ल्स, आई एम जय। पता है तुम्हारा नाम जय है, हम तुम्हें जानते हैं, तुम हो मिस्टर प्यार दो प्यार लो। तुमने इन्हें मेरे बारे में बता दिया ना? दैट्स रियली कूल। कॉफी? जाओ, सिर्फ कॉफी पीना और कुछ नहीं। कम ऑन गर्ल्स। सही, बाइक भी एकदम ठीक हो गई। सम अदर टाइम।
कुछ है? लगता है ये अभी तक यही है। हाय 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 गर्ल्स। कॉफी का आइडिया बेकार था, मैं भी ना। डिनर? क्यों ना हम डिनर साथ करें? सॉरी जय, मुझे कुछ शॉपिंग करनी है, रूम भी साफ करना है। सम अदर टाइम। सम अदर टाइम? नो टाइम बेबी। अरे सुषमा, मैंने तुम्हें इसे वहां रखने के लिए कहा था, इससे पहले कि मानसा आए इसे रख दो। मानसा इतनी देर से क्यों आई हो? कमॉन कमॉन कमॉन, पूरा घर साफ हो गया, तुम्हारा कमरा भी चकाचक हो गया, जाके फ्रेश हो गया, उसके बाद हम तुम्हारा मनपसंद चाइनीज खाना खाएंगे। सॉरी मनु, साफ सफाई में इसका कोई जवाब नहीं, पूरा घर चमका डाला, इसलिए बदले में मैंने इसे कुछ सीक्रेट्स बता दिए। हाँ, तुम्हें चाइनीज खाना पसंद है, वाइट रंग के पपीज पसंद है और एआर रहमान का म्यूजिक पसंद है। कसम से इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं पता। गेट रेडी मानसा, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, खाना ठंडा हो जाएगा। मजा आ गया डिनर पे। गुड नाइट, बाय बाय। कल का क्या प्रोग्राम है? कल हम लोग बीच पे जा रहे हैं, बड़ा मजा आएगा। अगर तुम चाहो तो तुम भी चल सकती हो। एक्चुअली हाँ, समझ गया। सम अदर टाइम, सम अदर टाइम। खैर, मैं सुबह तुम्हारे घर के नीचे से गुजरूंगा। इफ यू वांट टू कम यू कैन कम, सुबह 7 बजे। बाय बाय। मजा आया? नहीं जय, सबसे हसीन पल है। काश ये पल यहीं रुक जाए, ऐसा हो सकता है? ये तो हम पर निर्भर करता है, क्योंकि हमारी जिंदगी हमारे ही हाथों में है। नहीं जय, मेरी जिंदगी किसी और के हाथों में है। मेरी फैमिली, मेरा गांव, वहां के लोग बहुत ही अलग हैं। उन्हें सिर्फ खून बहाना आता है, प्यार क्या है, रिश्तों की अहमियत क्या है, उन्हें नहीं पता। यही बड़ी बात है कि उन लोगों ने मुझे पढ़ाई के लिए यहाँ भेजा। ये इज्जत पूरी करने के बाद मुझे नहीं लगता कि वो लोग मेरी कोई और बात मानेंगे, लेकिन तुमसे मिलने के बाद पहली बार मुझे ये एहसास हुआ कि खुशी क्या है। पर मैं चाह के भी खुश नहीं रह सकती। तो खुश होके जीने में दिक्कत क्या है मनसा? जब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगी खुश रहूंगी, लेकिन मैं अपनी ये खुशी अपने साथ घर नहीं ले जा सकती हूँ। मैं ऐसे सपने नहीं देखना चाहती जय, जो कभी सच ना हो। मैं तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहती, इसीलिए मुझसे दोबारा मत मिलना। हाय जय। हाय। आज मैं इतनी खुश हूँ कि बता नहीं सकती। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ, सच सच बताना, तुम मेरे घर में आखिर आए क्यों? मैं इस गांव और इसकी खूबसूरती देखने के लिए आया हूँ। ठीक है, मैं खूबसूरती दिखाऊंगी, वो भी अपने गांव की, अच्छे से देखना। अच्छा बताओ, यहाँ से कैसा नजारा लग रहा है? वाह, सुपर्ब लोकेशन। कितना अच्छा होता अगर तुम समझ पाते कि मैं किस खूबसूरती की बात कर रही हूँ। यहाँ देखो कितना हरा भरा है ना। हाँ हाँ, बहुत खूबसूरत है। कितने हरे भरे खेत है ना। खेत? मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। ब्यूटीफुल। तुम्हारी आंखों को ठंडक चाहिए,
तो देखकर आंखों को ठंडक पहुंचा लो। इस नदी के पानी से आंखों को ठंडक मिलती है। ओ हाँ, अच्छा है, अच्छा है। ये वाला हिस्सा देखो कितना खुला खुला है ना। बस इस उपजाऊ जमीन पर पानी की जरूरत है। हाँ, तभी तो हमारे खेत हरे भरे होंगे ना। अच्छा, उसके लिए तो पहले हल चलाना पड़ेगा। आज के लिए इतना काफी है, बाकी इलाके मैं तुम्हें कल दिखाऊंगी, ठीक है? जो भी एडमिशन होंगे वो सिर्फ डोनेशन से ही होंगे। ओके सर। आप यहां? आपने क्यों तकलीफ की? मुझे बुलवाते मैं आ जाता। ये हमारी बच्ची है, इसे समझाया था कि पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं धरा, लेकिन इसने मेरी बात नहीं मानी। पूरे जिले में अव्वल आई है। मैं चाहता हूं कि ये तुम्हारे कॉलेज में पढ़े ताकि अपनी जिंदगी में कुछ कर सके और कॉलेज का नाम भी रोशन हो। सारी सीट्स फुल हो चुकी हैं सर, सिर्फ डोनेशन सीट्स ही बची हैं। डोनेशन? वो मैं तुम्हें नहीं दूंगा। अरे इंसानियत भी कोई चीज होती है कि नहीं? सुनो, किसी भी तरह एक सीट का इंतजाम करो, समझे? सर, अगर मैं ऐसे ही सीट देता रहा तो बिजनेस ठप हो जाएगा। पढ़ाई को धंधा बना रखा है, दारू की दुकान खोल लो, उससे पैसे कमा लेना। कल से ये पढ़ने के लिए यहाँ आएगी, इसे देखकर दूसरे और गरीब बच्चों की पढ़ने की इच्छा होगी। हर किसी के लिए मुझे यहाँ आने की जरूरत ना पड़े। बेटा पढ़ो लिखो और आगे जाकर इसकी तरह बनो। मालिक। मानसा के लिए एक रिश्ता लाया हूं, लड़का बहुत अच्छा है, कल वो मानसा को देखने आएगा। मैं शादी नहीं करूंगी, अभी मेरी उम्र ही क्या है। शादी करना तो हर लड़की का धर्म है, तुझे तो खुश होना चाहिए। आप भी कुछ नहीं बोलती हैं। आपको मुझसे प्यार है या नहीं, कम से कम मुझे बताना तो चाहिए था। मुझे खुद पता नहीं था, तुम्हारे चाचा ने अचानक सब तय कर दिया। जय, मेरे चाचा मेरे लिए रिश्ता लेकर आए हैं। पता है? ये क्या जय, तुम कुछ नहीं करोगे? लड़के वाले तुम्हें देखने आ रहे हैं, शादी करने नहीं। टाइम पास करो, जो होगा देखें, बाद में मैं संभाल लूंगा। खूब